कि सब लोग जानते हैं कि आज हमारा जो है देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, और ये आजादी का जो दिन है ये हमारे दिल में होना चाहिए और हमारे एक्ट में होना चाहिए। जिस तरह से भी है ये खुशकिस्मती की बात है कि हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। कभी कभी आता है कि इस आजादी को खत्म करने की कोशिश होती रहती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी की आजादी को अब आज के जमाने में छीन सके। हमारी आजादी को, आजादी तब तक आजादी नहीं है जब तक कि हम उसको कायदे से उसको माने नहीं। सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि आजादी है, हम जो चाहे वो करें, लेकिन आजादी आपको हर तरह की फ्रीडम देती है। वो फ्रीडम जो चीजें बगैर किसी बंधन के उड़ती हैं उनका कोई अता पता नहीं होता है। पतंग कटने के बाद उसको जमीन में गिरना ही है। अगर वो किसी डोर से बंधी होती है तभी उसकी ऊंचाई वो पा सकती है। तो हमें भी अपने आप को एक बंधन से बांधना है, और हमारे लिए तो काफी ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारा देश आजाद है। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से अपना पीएम चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को उस जमीन से, उस जड़ से जोड़ के रखना होगा जो कि हमें आसमान की ऊंचाइयों पे अपने साथ साथ, जब हम आसमान की उड़ाइयों पे जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली जाएगी, हमारा पूरा गांव जाएगा, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जाएगा, हमारा पूरा मुल्क जाएगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं। आप यहाँ खड़े हैं, आप तो बच्चे नहीं है, पहली बार आजादी के बाद से ऐसी पोजीशन आई है कि आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है बगैर बच्चों के। लेकिन एक चीज अगर सोचें तो कोई भी इंसान, आप खड़े हैं, इंडिविजुअल खड़ा है, वो अकेला नहीं, उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो सबको रिप्रेजेंट करता है। एक एक हिंदुस्तानी पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि हम कहीं भी जहां रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को, तो वो चीज एक अच्छे उसमें जाए कि हाँ ये लोग आजाद हैं, लेकिन आजाद के साथ साथ दूसरे भी आजाद, सिर्फ हम आजाद नहीं, हमारे साथ हमारे देश की 130 करोड़ जनता जो है वो आजाद है। तो सबका रिस्ट्रिक्शंस है, सबकी कुछ लिमिट्स हैं, और अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम दूसरे की आजादी छीन, और जब हम दूसरे की आजादी छीनने की कोशिश करेंगे या छीनेंगे तो हमारी आजादी नहीं रहेगी, वो भी छीन जाएगी। तो हमें इस चीज को सोचना है। और जो दूसरी चीज सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इंसान को नेचर के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। आज एक चीज देखने में आ रही है, सबके चेहरे ढके हुए हैं, सबके नाक बंद है। हम लोग बचपन में देखते थे तो कुछ लगाया जाता था कि वो दूसरे का नाक खा सके, लेकिन आज हमारे मुंह पे लगा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल, इससे हम अपने आप को सीख ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हमें नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो नेचर भी हमसे बदला लेता है। आज हमारी आजादी हमारे घरों में, हम अपनी मर्जी से बाहर घूम नहीं सकते हैं। तो ये चीजें हैं क्योंकि हमने नेचर को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और कोई भी चीज इस दुनिया में है, इस सराउंडिंग में है, उसको घूम के हमारे ही साथ रहना है। और जब आप पत्थर उछालेंगे ऊपर तो वो आपके ऊपर गिरेगा, भले आपके ऊपर ना गिरे, इंडिविजुअल के ऊपर ना गिरे, लेकिन हम यहाँ पे एक यूनिट हैं, तो किसी ना किसी आप ही के उसमें से किसी के ऊपर गिरे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और जो भी काम करें उस काम का पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा, जब आप किसी काम को करेंगे तभी वो रिजल्ट आएगा कि वो काम आपका सही था या गलत। बगैर किए हमें किसी भी उससे नहीं मानना है कि पता नहीं ये गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, ये हमारा और आपका काम है। जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक पास फेल का कोई चांस नहीं, और एग्जाम उसी का ज्यादा होता है जो अच्छा होता है। जो एग्जाम देता है उसी का एग्जाम होता है, जो पहली पेपर में छोड़ के भाग जाएगा उसके लिए चार पेपर कोई मायने नहीं। अगर आप एक पेपर देंगे तो अगला पेपर फिर आएगा, तो आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। तो ये चीज है, नेचर से भी इम्तिहान उसी का ज्यादा होता है जिसके अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटी ज्यादा।
इस चीज को हम ध्यान रखें, अपनी आजादी को मनाएं खुशी के साथ, लेकिन अपनी इस खुशी में हमारे साथ पूरा का पूरा देश 130 करोड़ जो भी हैं वो सारे लोग जो हैं खुश रहें। तो हम यहाँ पे इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबके लिए दुआ कर सकते हैं कि जो लोग भी इस वक्त परेशान है, ऊपर वाला अल्लाह उनको सबकी परेशानियों को दूर करे। Now, it is my just a few words.